से वो रीशूट भी करवाता है। ईश्वरी भावनाओं में वो सिनेमा है, सिनेमा को समझने के लिए। मेरी धर्म पत्नी है, अगर कोई सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसा लिख रहा है तो अवलोकन किया जा सकता है कि सिनेमा उसके अंदर कितनी पैठ किए हुए है। राहुल तिवारी सिनेमा और टीवी के एक ऐसे चर्चित संपादक हैं जिनकी कैची संपादकीय हुनर फिल्म में कसावट ले आता है, उनकी कमियों खामियों को दूर करके फिल्म को बेहतर बना देता है। एडिटर का जो रोल है, एडिटर का रोल बहुत बड़ा होता है। एडिटर किसी भी सीन को आगे पीछे भी करता है, किसी भी डायलॉग को निकाल भी देता है। कुछ अगर ऐसे एक्स्ट्रा कोई ऐसी सीन है, डायलॉग है, या कोई सीन को फिर से वो रीशूट भी करवाता है। तो एडिटर का जो सिनेमा के प्रति जो वो काम है वो बहुत बड़ा है। डायरेक्टर जैसे, डायरेक्टर बहुत ज़्यादा गहराई में जुड़ा रहता है कहानी के साथ, वही सेम वही दायरा है एडिटर का भी। और अगर एक माँ डायरेक्टर है तो एक, मैं कहूँगा कि एक मौसी एडिटर है, तो ये दोनों माँ ही हैं जो फिल्म को सिनेमैटिक और फिल्म की एक परिभाषा के रूप में उसको प्रस्तुत करती हैं दर्शकों के सामने, और हम आप फिर बहुत मज़े से फिल्म को देखते हैं। तो एक अच्छा सा रोल है, बहुत बड़ा रोल है एडिटर का। ऐसी कोई फिल्म जो मेकिंग अच्छी रही हो लेकिन एडिटिंग की वजह से उसका फ्लेवर बिगड़ गया हो, खराब फील दिया उसने, कोई एग्जांपल आपके लिए? अभी मैंने वायरस के पहले एक फिल्म किया, बेसिकली वो पहले रिलीज हो गई थी फिल्म, लेकिन हमारे पास भरत सिंह जी हैं जो एडिटर राजेंद्र सानी के, वो उस फिल्म को लेके आए। उस फिल्म का नाम है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, तो उसको मैंने री एडिट किया। उन्होंने कहा कि यार राहुल इसको एक बार दोबारा इसको हम लोग री एडिट करते हैं, आमिर साहब को दिखाना है। तो मैंने उस फिल्म को री एडिट किया, तो उस फिल्म को री एडिट करके ये समझ में आया जो कि अगर ये ऐसे एडिट होती ये तो थोड़ी सी दर्शकों के बीच में ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जानी जाती, जो कि बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई, क्योंकि उस कहानी में एडिटिंग का जो रोल था वो बहुत ही गलत था, वो मतलब अच्छे से वो फिल्म एडिट नहीं हुई। और अगर थोड़ा सा एडिट पे ध्यान दिया जाता तो वो फिल्म और अच्छे से, मतलब कहीं ना कहीं 20-25% उसका ऊपर मार्केट रहता आज के समय में ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। एडिटिंग में जो नए बच्चे आना चाहते हैं, जो इसमें करियर बनाना चाहते हैं, उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? एडिटिंग में जो बच्चे आना चाहते हैं उनको सबसे जो ज़रूरी है, उनको अच्छे से अपनी बेसिक जो पढ़ाई है वो पूरी करनी चाहिए, और वो पढ़ाई उनको आगे सिनेमा को समझने के लिए, कहानी को समझने के लिए, क्योंकि कहानी अभी जो दायरा हो गया है हमारे सिनेमा का वो तमिल, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, अलग अलग अवधि है, तमाम भाषाएं हैं, बंगाली है, मराठी है, गुजराती है। तो भाषाओं का दायरा तब समझ में आता है जब हम पढ़े लिखे होते हैं, जब हमने अच्छी सी एक शिक्षा दीक्षा ली होती है, और कहानी भी तभी हमें समझ में आती है। क्योंकि अगर मेरी बेसिक जो पढ़ाई हुई है अगर वो अच्छी नहीं रहती तो मैं आज अच्छे से एडिट नहीं कर पाता, जो मुझे जो अनुभव हुआ है। तो इसलिए शिक्षा की बहुत ज़रूरत है, बच्चों को अच्छे से पढ़ना चाहिए। सिनेमा को ऐसे नहीं लेना चाहिए, सिनेमा को हमें ऐसा लगता है कि जैसे सिनेमा को लोगों को लगता है कि हाँ बस यूं ही हो जाएगा, नहीं, कभी भी ऐसे सिनेमा को नहीं लेना चाहिए। सिनेमा बहुत ही संजीदा, बहुत ही सीरियस जॉब है, बहुत ही सीरियस, बहुत अच्छा एक काम है। एक योगी की तरह, जैसे कि एक योगी होता है ना कि वो हमेशा रमा रहता है अपने अध्यात्म में, अपने ईश्वरी भावनाओं में, वो सिनेमा है। तो सिनेमा को समझने के लिए आपको एक बहुत अच्छी पढ़ाई और एक बहुत अच्छा संस्कार, आपके अंदर एक अच्छा ह्यूमन वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप परिवार में अपने अच्छे से नहीं माहौल को रखते हैं, आपके अपने लोग जो घर में हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, रिलेटिव हैं, हमारे दोस्त हैं, अगर वो आपसे खुश नहीं है तो आप ये समझिए कि आगे जाके कोई भी कार्य करेंगे तो वहाँ भी आप असफल ही होंगे।
तो जरूरी है, आप अच्छे से पढ़िए और फिर उन चीजों को, जैसे अभी NSD है, FTI है, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, आप फिर उनको ज्वाइन कीजिए। और अगर वहाँ आप नहीं पॉसिबल होता है तो तमाम हमारे जो इंडस्ट्री में हैं, जैसे हम लोग सब काम कर रहे हैं, हम लोगों को असिस्ट करिए धीरे 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 धीरे। और ये दायरा 10-15 साल के बाद समझ में आता है, जब आप डेली रूटीन में उसको प्रैक्टिस में लेते हैं तब जाके आप सिनेमैटिक होते हैं, तब जाके आप सिनेमा को समझ पाते हैं। तो इसलिए इसको बहुत ही संजीदा, बहुत ही गहराई से इसको समझना चाहिए, लेना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए करिए और फिर आप आइए सिनेमा में। और आपका परिवार भी ये समझे कि हाँ आप किसी काम के लिए गए हो, नाच नौटंकी और ये गंदा काम है, नहीं ये सब चीजें मत सोचिए, बहुत अच्छे से आइए, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं और इसीलिए वो अच्छी फिल्में हम आपको दिखा पाते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर चीज है। अगर हमारे अंदर ही वो भावना नहीं होगी अच्छाई बुराई की तो हम सिनेमा पे क्या पिरोएंगे। तो इसलिए एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान बन के आइए सिनेमा में और आप जरूर सब उदाहरण जिसमें आपको सबसे एडिट करने में सबसे ज्यादा टाइम लगा हो, धैर्य रखना पड़ा हो और मतलब एक समस्या भी आपको महसूस हुई हो उसमें। क्या होता है कि फिल्म को, जैसे मान के चलिए कि एक फिल्म 2 से 2.5 महीने में एडिटिंग उसकी एक जनरल तरीके से हो जाती है, साधारण तरीके से। लेकिन अगर फिल्म को आप ज्यादा समय देते हो, फिल्म का क्या है, फिल्म एक जिसे जिसे बच्चों की परवरिश है, जिसे एक बच्चा है पैदा होता है तो धीरे 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 करके हम 4-5 साल में उस बच्चे को, एक 10 साल में 15 साल में बच्चे को हम एक अच्छा व्यक्तित्व देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जैसे माँ अपने बच्चे को एक 10-15 साल लेती है बच्चे को एक व्यक्तित्व में खड़ा करने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने में, वैसे ही हम सिनेमा को लेते हैं, हमें खूब ज्यादा समय चाहिए। अभी एक फिल्म मैंने इनकी नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब की थी मियां कलाना, वो भी 7-8 महीने लगी थी, जबकि वो छोटी सी फिल्म थी फेस्टिवल की, लेकिन उसको 7-8 महीने लग गए। एक मैंने यशपाल जी की एक फिल्म थी, प्रतिभा सुमन जी ने उसको डायरेक्ट किया था, आमो आंखा एक से डॉक्यूमेंट्री थी, काफी बड़े लेवल पे इसको ये जागरण फिल्म फेस्टिवल वालों ने पूरे भारत में हर शहर में उसको दिखाया था, इसकी स्क्रीनिंग हुई थी। तो कहने का मतलब यह है कि सिनेमा में जितना आप वक्त लेते हैं, वो चाहे शूटिंग हो, चाहे एडिटिंग हो, चाहे वर्कशॉप हो, चाहे म्यूजिक के लिए हो, तो जितना आप ज्यादा से ज्यादा समय लेंगे वो चीज उतना ही निखर के आएगा। सिनेमा में समय देना बहुत जरूरी होता है और धैर्य के साथ, ठहराव के साथ, तो इसलिए समय देना चाहिए। वो ऐसी फिल्म का उदाहरण देना चाहेंगे जिसको करने में बहुत मजा आया हो एडिटिंग में। मेरी अभी लास्ट पिछले 2022 में मैंने दादा लक्ष्मी फिल्म का मैंने ट्रेलर काटा, ये करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़ा आया। और एक फिल्म मैंने और की थी 2018 में, ये एक ऐसा तिगड़म इस्माइल दरबार साहब की फिल्म थी, तो उसके गाने एडिट करने में मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि इस्माइल दरबार साहब म्यूजिक डायरेक्टर हैं तो उन्होंने बहुत अच्छे से उसको पिक्चराइज किया था, बहुत अच्छे से कोरियोग्राफी थी उसकी। और आशुतोष राणा साहब हैं, एक साक्षी करके आर्टिस्ट हैं, फीमेल एक्ट्रेस हैं, वो हैं उसमें, तो वो फिल्म भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और नवाज साहब की फिल्म जो मियां कलाना जो मैंने एडिट किया था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब की, समाश नवाब सिद्दीकी उसके डायरेक्टर हैं उनके भाई साहब, तो वो फिल्म भी बहुत अच्छा लगा था मुझे एडिट करके। तो ऐसी हैं फिल्में, जैसा क्या होता है कि फिल्म की अगर कहानी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग अगर अच्छी हैं तो वो फिल्म जब शूट होती है तो वो बहुत अच्छा लगता है, वो फिर वो एक अलग दिखता है, वो रियल दिखता है, वास्तविक दिखता है कि नहीं ये है। तो 8-10 फिल्में हैं जो मुझे काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही अच्छा लगा था। राहुल तिवारी, राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजी जा चुकी दादा लक्ष्मी जैसी फिल्म का संपादन कर चुके हैं। करीब 26 छोटी बड़ी फिल्में संपादित कर चुके राहुल तिवारी 1999 से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। राहुल तिवारी सीरियल भाग्य विधाता में वर्ष 2010 में नेगेटिव किरदार कर चुके हैं। राहुल 7 फिल्में निर्देशित भी कर चुके हैं
इनमें चर्चित शॉर्ट फिल्म मूवी द्रोणाचार्य भी शामिल है। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आ रहे हो, जो इस समय कर रहा हूँ, तो आप उनके बारे में कुछ डिटेल दीजिए। मैं एडिट तो मैं 5-6 फिल्में हैं मेरी जो एडिटिंग पे हैं, मैं एडिट कर रहा हूँ। मैं अभी एक फिल्म, मैंने वेब सीरीज़ है, एक वेब सीरीज़ है, मैंने कुछ यूपी स्टाइल से, जैसे अभी पंचायत आई थी उस स्टाइल से मैंने एक सब्जेक्ट लिखा है। 3-4 साल से मैं उस पर वर्क कर रहा था, राइटिंग कर रहा था, तो फैमिली ड्रामा है, उसको मैं करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसके उसमें लगा हूँ। वो सीरीज एक अच्छा सा ड्रामा आए और लोगों को, जैसे पंचायत में जब ये सारी चीज़ें अच्छी कंटेंट लेके आई ये चीज़ें, तो वैसे मैं भी एक सब्जेक्ट लेके आ रहा हूँ और बहुत जल्द मुझे लगता है इसी साल मैं इसको पिक्चराइज करूँगा एज ए डायरेक्टर, तो इसको मैं करने जा रहा हूँ। राहुल तिवारी अपनी एक वेब सीरीज की लोकेशन और शूटिंग की अन्य संभावनाओं को तलाशने भोपाल में थे। इस दौरान उन्होंने पीपुल्स मॉल और पीपुल्स ग्रुप की फिल्म डिवीजन आनिया सीने एंड मीडिया वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का अवलोकन भी किया। इस दौरान उन्होंने peoplesupdate.com से फिल्म संपादन और भोपाल में शूटिंग की संभावनाओं पर चर्चा की। सुनिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। अभी आपने भोपाल में जो पीपुल्स मॉल की लोकेशन देखी है, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पीपुल्स मॉल, ये तो मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, क्योंकि यहाँ विश्व की जो चीज़ें हैं ना, जो एक धरोहर हैं और विश्व में हम उसको देखते हैं, लाल किला है, ताजमहल है, ये पीछे आपके दिख रहा है, तो ये जो पूरा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं और यहाँ के लोगों के लिए, और मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी भोपाल घूमने आ रहा है तो ये सब चीज़ें देख सकता है, और बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, बच्चों को बहुत प्यारा लगेगा कि जो आप अगर भारत में या विश्व में आप अलग अलग जगह पे जाना चाह रहे हैं, और वो आपको एक जगह पे ये सारी चीज़ें, ये सारे चित्र आपको एक जगह मिल जाएंगे, माहौल मिल जाएगा, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और बच्चों को आना चाहिए। पीपल्स मॉल स्थित सात अजूबे देखकर राहुल तिवारी उत्साहित हो उठे। मैं उनको और दिखाएं, बच्चों को बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा, और मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं अपनी शूटिंग यहां पे करूं और करता रहूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहां पे।